पिछले 15 साल से आप काउंसलर थे और अभी आप MLA भी है, अभी कैसा फील कैसा कर रहे हैं? और क्या ऐसा है कि पिछले 17 साल से मैं मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक के नाते काम कर रहा था, उसका अनुभव मुझे जो था वो अनुभव लेकर महानगर पालिका के स्थायी समिति अध्यक्ष महापौर तक मैंने काम किया है। और प्रशासन का अच्छा अनुभव होने के कारण मुंबई शहर में विधायक जो होता है उसको महानगर पालिका से ही ज्यादा संबंध आता है, क्योंकि नगर विकास का काम महापालिका के ओर से करना, फिर MMRDA और फिर MLA फंड, इस तरह से काम कराना, इसलिए मुझे अनुभव का फायदा हुआ और अच्छा काम मैं लोगों को कर सकता हूँ। सर, आप पहले आप काउंसलर थे, तभी आप 24 आवर्स काम करते थे, मतलब पब्लिक के लिए करते थे? अभी भी ऐसा ही काम करता हूँ। नहीं सर, अभी मतलब पब्लिक के लिए भी वो लोग मिस कर रहे हैं आपको, कि आप मतलब पहले उनको टाइम देते थे। ऐसा है कि मैं पहले गोरेगांव में जब कॉर्पोरेट था तो 24 घंटा इधर ही बैठा था, लेकिन अभी विधानसभा दिंडोशी में मैं काम करता हूँ। लेकिन जिस लोगों ने मुझे नगर सेवक का अधिकार दिया वो 5 साल के लिए दिया है, इसलिए 5 साल में रात अपराध में जब भी मेरे पास आते तो मैं उनके लिए मदद करता हूँ। अभी ऐसा है कि मैं विधायक हूँ, मैं विभाग प्रमुख हूँ, इसलिए नगर सेवक के नाते पहले जैसा कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होता तो भी मैं जाता था, उस तरह से टाइम नहीं दे सकता हूँ। लेकिन कोई आपत्ति आती है तो रात को 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे कभी भी बोलो, मैं दौड़ के चला जाता हूँ। सर, आप अभी 74th मेयर हैं मुंबई के, मतलब इससे आपको कैसा मतलब फील कैसा हो रहा है, तो उनका कैसे प्राउड है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुंबई शहर का मेयर बोले तो एक बड़ा सम्मान की बात होती है, और महापौर के नाते मुंबई शहर ने मुझे नाम और गरिमा सारी चीजें दी, और इसका सारा श्रेय अगर किसको जाता है तो शिवसेना पार्टी को जाता है, और इसका कारण है आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और हमारी रश्मि वहिनी ठाकरे, इन्होंने जो मुझे महापौर बनने के लिए जो संधि दी, इसके कारण मैं ये सब सारा जितना भी अधिकार है वो ग्रहण कर सका और महापौर की इमेज जो है वो मैं बना सका। और आपको क्या लाइफ में अभी और क्या क्या करना है, कुछ आते हैं? विधायक हूँ, अभी विधायक होने के नाते मुझे ऐसा है, राजनीति में आदमी तो हमेशा सीखते रहता है, लोगों की सेवा करते रहना, और मुझे लगता है कि जब लोगों की सेवा करता है और जब तुम उस किसी काम के अच्छे मुकाबले हो जाता है, तो मुझे विश्वास है कि उद्धव ठाकरे जी आने वाले दिनों में अच्छा कोई काम तो मैंने सॉल्व किया ही। लेकिन दिंडोशी में भी जब मैं चुनाव के पहले लोगों को जवाब दिया था कि पानी का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करो, इसलिए पिछले 1.5 साल में 5-6 जगह पे 36 इंच, 6 इंच, 12 इंच, 9 इंच के पानी की लाइन डालकर वहां के लोगों में पानी देने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए पूरी तरह से महानगर पालिका की यंत्रणा जो है उसका इस्तेमाल किया और लोगों को राहत देने की कोशिश। मिल नहीं पा रहे, ऐसा कर रहे तो ऐसा मिस कर रहे हैं सब, उनका क्या करे। साउथ इंडियन पब्लिक के साथ मेरा एक फैमिली रिश्ता है और उनको लगता है कि कुछ भी हो तो मैं उनके साथ रहूं, लेकिन अभी समय की जो पाबंदी है कि विधानसभा जाना, महानगर पालिका जाना, दिंडोशी क्षेत्र में घूमना, पार्की विभाग प्रमुख के नाते सारी जगह जाना, इसलिए उनका जो मेरा रिलेशन है वो तो वही है। लेकिन अब इस बार मैं नगर सेवक का चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए वो मुझे मिस करते होंगे, लेकिन अगर मैं नगर सेवक रहूं या न रहूं, मैं विधायक रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा जो रिलेशन उनके साथ बना है वो जीवन के अंत तक वैसा ही रहेगा। क्या क्या करने वाले हैं? मैंने तो दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र में सारे महानगर पालिका की व्यवस्था में रोड्स जहाँ अनइजी थे वह अच्छे बनाए, रोड्स का वाइडनिंग किया, पिछले 25 साल से जो चौड़े नहीं हुए थे वो करने की कोशिश में किया, 2 रोड उसमें से पूरे हुए हैं और 2 का काम चालू है। हाईवे के नीचे पूरा जाने वाला भुयारी जो रास्ता है उसको वाइडनिंग करने का 30 करोड़ का टेंडर MMRDA से निकला कि अभी काम चालू कर रहा हूँ। पुरार में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए अच्छी AC एयर कंडीशन व्यवस्था बनाने की कोशिश में किया, उसके लिए महापालिका से मैंने लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग ली है, अब उसका काम चालू कर रहा हूँ। पुरार में एक अच्छा हॉस्पिटल प्रसूतिग्रह हम बना रहे हैं। एक ना अनेक काम जो मैंने वचननामा में बोले थे पिछले 1.5 साल में किए, पुरार के गार्डन की व्यवस्था मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, लोग चल सके, फिर सके, और खास करके पुरार की एक छवि बनी थी कि एक कायदा सुव्यवस्था वहाँ पर बराबर नहीं होती, लेकिन आज पुरार सुधर रहा है, पुरार की एक इमेज बढ़ रही है, और पुरार की इमेज बढ़ाने के लिए जो जो कुछ अच्छा काम करना चाहिए वो सामाजिक स्तर पे, प्रशासकीय स्तर पे और लोगों को साथ में। यंग स्टार्स के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि यंग लोग आगे आकर सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहिए, और सामाजिक काम करते करते अगर उनको अगर राजनीति में संधि मिले तो जरूर आना चाहिए। अब यंग लोग आगे आएंगे तो नए विचार और नई टेक्नोलॉजी और नई दृष्टि जो है उसका फायदा आने वाले जो अगली पीढ़ी है उसको होगा। थैंक यू सो मच सर।